बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा डायरीज़। कैसे हैं जी? इंशाल्लाह ठीक होंगे जी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी केयरिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो आइए मैं आपको ये बनाना सिखाती हूँ। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए उंगली पे इस तरह हम इसको बल दे देंगे और यहाँ से हम इसको ऊपर उठाएंगे इस धागे को, और यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, तीन सिंगल स्टिच बना लेंगे हम, एक दो और ये तीन। देखिए ये तीन सिंगल स्टिच बनाने के बाद हम एक दो इस क्रोशे पे दो दफ़ा बल देंगे, और ये एक डबल क्रोशा, दो डबल क्रोशे और ये तीन डबल क्रोशे। इसी तरह हम एक दो ये तीन हम डबल क्रोशे बना लेंगे, एक, ठीक है। ये देखिए अब हम बनाएंगे चार दफ़ा डबल क्रोशा, एक दो तीन और ये चार, ठीक है। चार दफ़ा बनाने के बाद अब हम एक दफ़ा दोबारा ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह करने के बाद हम यहाँ पे एक इस तरह हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे। ये अब हमारा हाफ जो है वो बन चुका है। अब इधर वाली साइड दोबारा बनाएंगे, इसके में फिर वही हम चार दफ़ा हम बनाएंगे डबल क्रोशा, एक दो ये तीन और ये चार, ठीक है। चार डबल क्रोशा बनाने के बाद हम दोबारा फिर वो बनाएंगे तीन डबल क्रोशा, एक थोड़ी सी क्रोशे में फंस जाती है, ये हमने तीन डबल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। अब हम जैसे हमने शुरू में स्टार्टिंग में लिए थे तीन खाली स्टिच लिए थे, हम दोबारा वैसे करेंगे, सेम जैसे इधर बनाया था वैसे ही इधर बनाएंगे हम दोबारा, एक दो और तीन। ये तीन स्टिच लेने के बाद हम इसको यहाँ पे देखिए ये इस तरह हम इसके साथ ये यहाँ पे अटैच करेंगे इसके साथ, और ये इस तरह, ठीक है। ये देखिए जी छोटा सा हमारा पास इसका वो बन गया। अब इसी को हम बड़ा करेंगे। अब हम दोबारा यहाँ पे लेंगे एक खाली स्टिच लेंगे, और उसके बाद ये जो है ये जो हमने चेन बनाई थी यहाँ पे हम लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह एक ये दो, ठीक है, और ये तीन। लेने के बाद ये आगे वाला जो है हमारा इसमें हम लेंगे हर स्टिच में पहले स्टिच में लेंगे हम तीन डबल क्रोशे लेंगे। देखिए इस तरह एक दो तीन, फिर आगे वाले स्टिच में भी हम फिर दोबारा ऐसे करेंगे, एक दो और ये तीन। फिर आगे वाले स्टिच में दोबारा हम फिर ऐसे करेंगे तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो और ये तीन। ये देखिए अब आगे हम बनाएंगे ये एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे स्टिच में दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो तीसरा स्टिच है इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो सेंटर वाला है यहाँ पे जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था ये जगह आ गई है, इसमें हम इसी स्टिच में हम तीन स्टिच बनाएंगे। पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
लेकिन उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह, ये हमने इसकी नोक बनानी है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद एक पहले डबल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद सॉरी उसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया उसी स्टिच में से। ये तीन स्टिच निकालेंगे हम, ठीक है। अब ये हमारा सेंटर आ गया। अब सेम इसी तरह जैसे इधर बनाया था दोबारा इधर बनाएंगे। अब हम लेंगे एक स्टिच में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, और आगे फिर एक सिंगल स्टिच में सिंगल वो बनाएंगे। ये दूसरा सिंगल, मतलब एक स्टिच में से एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से देख लेना, ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया था एक दो और तीन, तीन हमने सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया एक एक स्टिच में। अब हम अगले स्टिच में फिर एक दो और ये तीन, एक स्टिच में से हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए। फिर आगे वाले स्टिच में फिर दोबारा हम ऐसे करेंगे, तीन डबल स्टिच बनाए, डबल स्टिच बनाएंगे एक दो और ये तीन। फिर आगे वाले स्टिच में फिर दोबारा हम वही करेंगे। देखिए ना यहाँ पे हमने तीन बार ऐसे बनाया है, तो यहाँ पे भी हम तीन बार ही ऐसे बनाएंगे। थोड़ा सा हार्ड हो गया, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया। देखिए जी हमने तीन तीन स्टिच बना लिए, और अब जो हमारा आगे वाला है उसमें हम बनाएंगे तीन हाफ डबल क्रोशिया, एक ये दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे हम इस स्टिच में। सेम उधर वाला दूसरी साइड वाला, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारी चेन है इसमें हम बनाएंगे, हमने यहाँ पे बनाए थे ये देखिए दो बनाए थे खाली इस तरह के, दो स्टिच लिए थे, एक दो, ठीक है तीन, सॉरी यहाँ पे हमने तीन स्टिच लिए थे। इसके बाद हम इसको इसके साथ यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरह स्टिच लेके, और ये देखिए जी अब यहाँ पे फिर हम एक खाली स्टिच लेंगे, और यहाँ पे एक स्टिच में ये एक दो तीन, तीन खाली स्टिच बनाएंगे हम यहाँ पे। दो डबल उसके खाली बनाने के बाद आगे वाले स्टिच में हम बनाएंगे दो, एक तीन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह ये एक दो और ये तीन, उसके बाद आगे वाले स्टिच में बनाएंगे हम ये एक आठ स्टिच में हम बनाएंगे दो दो डबल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक स्टिच में मैंने दो डबल क्रोशिया बना लिया, एक और ये दो में, और ये तीसरे स्टिच में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, और अब ये चौथे स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये पांचवें स्टिच में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे इसका फाइनल राउंड है। अच्छा जी ये पांचवें स्टिच में हो गया, और अब हम फिर छठे स्टिच में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाले स्टिच में फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 7 स्टिच में हमने दो दो डबल क्रोशिया बना लिए, और अब ये है हमारे पास 8वां स्टिच, इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, आगे फिर हम बनाएंगे 5 स्टिच में, 5 स्टिच ही बनाएंगे डबल क्रोशिया का हर स्टिच में। देखिए 1 2, ये तीसरे स्टिच में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और अब ये चौथे स्टिच में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और ये पांचवें स्टिच में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। ठीक है, अब ये आ गया, सॉरी 5 नहीं, हम 3 बनाएंगे, सॉरी 4 में हमने सिंगल स्टिच बनाने के बाद जो हमारा पांचवा स्टिच है इसमें हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, इसमें हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया। बनाने के बाद ये जो हमारा सेंट्रल वाला आ गया इसमें हम पहले तीन स्टिच बनाएंगे, पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे दरमियान में हम इसके बनाएंगे एक ट्रिपल डबल क्रोशिया, और फिर एक हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे वाले स्टिच में फिर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ये दो। अब आगे फिर 4 स्टिच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक और ये दो, ये तीसरा स्टिच और ये चौथा स्टिच। ठीक है, ये देखिए बना लिया। अब हम दोबारा यहाँ से जैसे हमने इधर बनाए थे 8 स्टिच में डबल डबल क्रोशिया बनाएंगे, 8 को हम 16 बनाएंगे, इसी तरह हम अब ये देखिए इसको हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, दो स्टिच, एक स्टिच बन गया हमारा, ये हमारा दूसरा स्टिच है, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, ये हमारा तीसरा स्टिच है, एक एक डबल क्रोशिया, और ये दो डबल क्रोशिया, फिर ये हमारा है 1 2 3 चौथा स्टिच है, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर आगे वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर कहा देखिए 1 2 3 4 5, ये छठे स्टिच में बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, और ये सातवें स्टिच में बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, और ये आठवें स्टिच में भी हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया। अब आगे वाले स्टिच में हम बनाएंगे 3 हाफ डबल क्रोशिया, देखिए ये एक दो और ये 3। ठीक है, उसके बाद अब फिर यहाँ पे बनाएंगे हम, देखिए 7 इधर जैसे हमने बनाया था, एक डबल स्टिच, ये दूसरा डबल स्टिच और ये तीसरा डबल स्टिच। ठीक है, इसके बाद हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे इसके साथ इस तरह, ये देखिए ये हमारा बन गया। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह करके इसको बंद कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह नॉट लगा के इसको हम बंद कर लेंगे, और ये सेम इस तरह हम इसका दरमियान में एक बीट्स है मोती है जो भी आप लगाना चाहे लगा लेंगे, और फिर हम इसको इन दोनों को इस तरह करके इसको हम यहाँ पे कुरेचे के साथ ही अटैच करेंगे। ये देखिए ये हमने दो बना लिए, अब इन दोनों को मैं इस तरह करके आपस में हम कुरेचे के साथ इसको स्टिच करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे इस तरह दोनों के एक एक इधर से साइड से लेके, देखिए इस तरह बहुत ही आसान है इस तरह स्टिच करके, फिर हम इसको एक साइड पे थोड़ा सा खुला रखेंगे, वहाँ पे हम पॉलिस्टर है वाली कॉटन है वो हम इसके अंदर इसको फिलिंग करके फिर हम इसको इसका ऊपर से केयरिंग वाला बनाएंगे। पहले मैं इसको पूरी तरह करके फिर इसमें मैं वो डालती हूँ पॉलिस्टर डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये करने के बाद देखिए मैंने इधर इधर से इसको सारा ये इसके क्रोशे के साथ कर लिया, अब इसके में हम ये पॉलिस्टर डालेंगे इस तरह,
ताकि ये हमारा फूला फूला सा बन जाए की रिंग। उंगली की मदद से इसको अच्छी तरह दबा दबा के इसको हमने इस तरह करना है ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हार्ड हो जाए। थोड़ी सी जो है इसको भी हम चुनके इसमें डाल देते हैं और अब हम इसको बंद करेंगे। इसी तरह हम इसको यहाँ पे यहाँ तक जैसे हम पीछे से जोड़ रहे थे वैसे ही इसी को हम, ये देखिए मैं आपको बता दिखा देती हूँ, ये दोनों को एक इधर इधर वाले स्टिच लेके ना ये इस तरह इस तरह करके हम इसको बंद कर लेंगे। देखिए जी कमरा कंप्लीट हो गया और अब हम इसके वो की रिंग के अंदर बनाने के लिए रिंग बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह। 15 स्टिच बनाने के बाद हम इसको इसके साथ यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसके साथ यहाँ पे और अब हम इसको यहाँ से इसका अब हम इसको यहाँ से कट करके इसके साथ इसको कर लेंगे। और नीचे अगर आपने मज़ीद बनाना है तो यहाँ पे हम ये देखिए ये दो मोती इस तरह इसके साथ अटैच करके नीचे एक छोटा सा टसल बना लेंगे। ये मैं टसल बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी मैंने ये टसल बना लिया और इसमें मैंने तीन बीड्स भी डाली हैं और अब हम इसको इसके साथ यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरह। देखिए फिर हम इसको यहाँ पे इसका अच्छी तरह दो तीन स्टिच लेके हम इसको यहाँ पे इस तरह ये देखिए अच्छी तरह करने के बाद हम इसको अंदर से इस तरह ताकि हमारा धागा बाहर ना निकले। ये देखिए जी ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए जी ये ब्यूटीफुल सा हमारा केयरिंग रेडी है। आप इसको केयरिंग में लगाएं या फिर अपने बैग के साथ अटैच करें, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत यूनिक सा डिज़ाइन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।